ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है। किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि CAA में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर दूं। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक और घुसपैठियों को तो घुसाती है, उनको फर्जी तरीके से नागरिक बनाती है। और मेरे मतवा समाज के लोग जो आए हैं शरणार्थी बनकर, उनको नागरिकता देने का विरोध करती है। वो कहती है बंगाल में हम नहीं देने देंगे। अरे दीदी, आप क्या रोकोगी? नागरिकता केंद्र का विषय है, बंगाल के मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के एक एक भाई बहन को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है।